सभी प्रेस के बंधुओं का सबका धन्यवाद है। और आज भी हमने बहुत सर्वे करे, यहाँ पर देखा सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरह से कटीले तार लगाए गए हैं और ये प्रतिबंधित तार हैं, खेत में प्रतिबंधित, जिस तरह से सड़कें खोद दी गई, आम जनता को पूरा दुखी करने का प्लान है। जब अनाज बंद हो जाएगा इन कटीले तारों के अंदर, यही तो हमारी लड़ाई है कि अनाज कैद होने जा रहा है व्यापारी की तिजोरी में, और उसके बाहर इसी तरह के जो गोदाम बनाए जा रहे हैं, इसी तरह के तार जो कटीले तार हैं वे वहाँ पर लग रहे हैं। हमने ऊपर के रास्ते खोल रखे हैं, तीन एम्बुलेंस को भी दिक्कत हो रही, नहीं आने दे रहे, पूरा बैरिकेटिंग कर दिया गया, मतलब पुलिस का, हमारे लोग अगर कोई अंदर जा रहा उसको आज भी पकड़ के मारपीट उसके साथ करी जा रही, उनके हाथ तोड़ दिए गए, लाठियां चला रहे, क्या ऐसा गुंडागर्दी का माहौल तो देखा नहीं था। एक तरफ कहते हैं कि बात करेंगे, दूसरी तरफ इस वाले टेरर में बात करना चाहते हैं, ये किसान ना इस टेरर में बात करेगा। माहौल जब तक शांत नहीं होगा पूरा और एक टेबल पे वो नहीं होगा, तो किसान संगठन जो कमेटी ने निर्णय लिया है कि इस माहौल में हम बात नहीं कर रहे, ये सरकार पहले अगर बात उनको करनी है, पहले माहौल को इसको शांत करो, जो टेरर बढ़ाने का काम कर रहे वो नहीं चलेगा। पूरा जत्थेबंदी सब जगह जहां संगठन हमारे चले हुए हैं, जहां कमेटी चली हुई है, पूरा निर्णय ये है कि जब तक बिल वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है, यही नारा सबका है। ठीक है सर, आज आपने कहा था कि अक्टूबर तक आंदोलन जारी रहेगा, क्या आपको लगता है कि अक्टूबर तक कोई बात नहीं बन पाएगी या बात बनने में कई नहीं, हमें अपना प्लान तो बनाना पड़ेगा ना, लंबा प्लान, क्योंकि जैसे हमने कॉल दे दी 26 तारीख की, तो लोग ज़्यादातर एक कॉल पर 26 को आ गए और फिर वो चले गए, तो हम अब ये प्लान बना लें कि कितने लोग आने हैं। जिन लोगों की ड्यूटी 2 महीने बाद की लगेगी तो 2 महीने बाद ही आएंगे, एक गांव से ये प्रोग्राम बनाएंगे कि 25 आदमी के आसपास एक गांव से आएंगे, वो 10 दिन रहे, उनके 2 ट्रैक्टर रहे, फिर दूसरे ट्रैक्टर आ जाए, फिर 25 लोग आ जाए, तो इस तरह का गांव के लोग रूटीन बनाएंगे इस पर, लंबा आंदोलन चलाने के लिए एक पूरी रणनीति बनाएंगे। सरकार की तरफ से बातचीत के लिए प्रस्ताव आया अभी 6 तारीख को, क्या 6 तारीख में 26 जनवरी जो कुछ भी हुआ हम सब ने देखा, उसके बाद भी क्या आपको लगता है 6 तारीख का चक्का जाम आप सब लोगों के लिए होने वाला है, आप लोग उसको सफल तरीके से? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो पहले भी हुई, ये तो करवाया गया है यहाँ पे 26 तारीख का, कोई किसान नहीं नहीं ऐसा हमारा कोई जो इस तरह का करेगा तो उसका वो होगा, इस तरह के लोगों को ना उस पहले भी चक्के जाम क्या होता है कि एक टाइम भी होता है, वो गए लोग रुके, अधिकारी को बुलवाया, ज्ञापन दिया, उससे एक मैसेज हमारा चल जाता है कि भाई हम इस चीज़ से नाराज़ हैं, भारत सरकार से, हमारे गन्ने के इशू है उत्तर प्रदेश के, और बहुत इशू है अलग अलग स्टेट में, जो भी इशू होंगे वे भी मुद्दे इसमें रहते हैं। ठीक है साहब, लॉ एंड ऑर्डर की मामला हो या किसी भी तरह से कोई बातचीत हो रही है आप लोग की सरकार? नहीं, हमारी कोई बात यूपी सरकार से या सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी नहीं है। जो आपकी महापंचायत लगातार हरियाणा बिहार यूपी में जो चल रहा है, ये तो चलेगी, वो उसका क्या आगे का क्या प्लान है आप लोग का? छह के बाद इकट्ठे होंगे लोग, ये तो पंचायतें तो चलती रहेंगी, पूरे देश में चलेंगी। इंटरनेट के लिए क्या करेंगे आप लोग? इंटरनेट कार दिया गया है, इंटरनेट भाई जरूरत आपको होगी, पत्रकारों को होते हैं, पत्रकारों की लड़ाई तो लड़ी जाएगी, पत्रकारों की भी अगर कोई एक आधा पत्रकार ठीक दिखावे है तो उसी पे लाठी बजावे, तो हमने बहुत दिन कमेटी का निर्णय है, ये सब रहेंगे। जब दिल्ली ने बॉर्डर पर चक्का जाम कर रखा है तो फिर आप लोग चक्का जाम नहीं, हम क्या करेंगे? और ये तो हो ही रहा है, क्या हर मुख्यालय देश भर में है या सिर्फ दिल्ली में है? दिल्ली में तो कर ही रहा, जब दिल्ली पुलिस साथ दे रही चक्का जाम करने में तो हम क्या करेंगे? सरकार की कोई बात हुई? क्या कोई खाना पानी की दिक्कत हो रही है, रसद आने में आप लोग को दिक्कत हो रही है, जो बैरिकेटिंग हुई है उससे दिक्कत क्या हो रही है आपको बैरिकेटिंग से? हमें तो कुछ दिक्कत नहीं, तो आप आपत्ति जता रहे हैं ना बैरिकेटिंग पर, जो पुलिस बैरिकेटिंग कर रही है, फेंसिंग कर रही है, जनता को बता रहे हैं कि अनाज इसी तरह की बैरिकेटिंग में बंद होगा, ध्यान रख लेना, जो रोटी है वो इसी तरह की बैरिकेटिंग में बंद होंगी। तो आपको क्या मनसा लगे, सरकार क्यों कर रही है सब फेंसिंग या बैरिकेटिंग? जनता को ये लगे
कि भाई इन्होंने दुखी कर दिए। बजट पर क्या प्रतिक्रिया है? बजट में तो कुछ है ही नहीं, कर्जा देने की बात करी कि कर्जा कई जगह बैनर लगे हुए देखे थे, 56 इंच का सेना आपका लिखा हुआ है, क्या आपका ना, ना, भी वही नारा रहेगा? नहीं नहीं हमारा नहीं, इस तरह के बैनर मोदी जी का था टीवी में खबर चल रही है हमारे नहीं साहब, आज टीवी में खबर चल रही है कि आप मीडिया बॉय हो गए हैं और आप जो आज ने धरती पर खाना बैठ के मतलब मीडिया शिकर हो गए, अटेंशन के लिए आप ये सब कर रहे हैं जी, मीडिया का अटेंशन के लिए आप ये सब कर रहे हैं, आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, आप राजनीति कर रहे हैं। और क्या करूं भाई, ये बैरिकेडिंग ना दिखाऊं, ये रोटी उधर जा रही थी खींच कर लग रहा मैं जान रोटी तो ना दिखाऊं, कल रोटी उधर जाएगी उसको लाठी तक खींचूंगा, और जब क्या होगा रोटी उधर जा रही रोटी को खींचना है कल वो दिखा देना भाई, बैरिकेडिंग के पल्ली तरफ रोटी है और उसको खींचना मुझे रोटी को, ये तो रोटी कैद में चली गई, अनाज कैद में चले गया, गरीब की रोटी ताले में बंद ना हो, ये आंदोलन तो उसका सरकार हमारे वापस क्यों नहीं ले रही है, इतना आंदोलन के बाद भी सरकार ये कानून वापस क्यों नहीं ले रही है? वो तो सरकार बताओगी भाई, राजेश सिंह चौहान है हमारे सीनियर लीडर हैं, तो चक्का जाम जिला स्तर पे ये बताएंगे, ये बता दें चक्का जाम जिला स्तर पर हो रहा है। देखिए ये जो कटीली तार लगाई गई है, कटीली तार जो पूरी दिल्ली के चारों तरफ लगाई गई है, ये उत्तर प्रदेश में भाजपा के द्वारा और बजरंग दल के लोगों के द्वारा, ये जो किसान गाय के जानवरों की बचत के लिए अपनी फसल के लिए लगाता है वो कानूनी जुर्म है, यहाँ तो मानव को आना जाना है, मानवता को ये कटीली तार सर्वसार कर रही है। जो दिल्ली सरकार है वो किसान को उग्रवादी दिखाना चाहती है, तारे लगा करके दिल्ली के लोग हमारे गाजियाबाद के लोग जो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं या हिंदुस्तान के किसी भी किनारे से आ रहे हैं, ये सरकार की एक साजिश है और सरकार जानबूझ कर ऐसा कर रही है कि दिल्ली और आसपास के लोग परेशान हो और किसान आंदोलन को बदनाम करें और किसानों के प्रति उन्हें आक्रोश है। भारत सरकार और दिल्ली सरकार को ये नहीं पता कि जो गाजियाबाद दिल्ली में रह रहे हैं वो हमारे लोग हैं, हमारे किसानों के लोग हैं, हमारा एक परिवार गांव में है, एक परिवार गाजियाबाद दिल्ली नोएडा यहाँ है पेट की रोजी के लिए, गाँव ऐसे कोई नहीं छोड़ता, गाँव में समस्याएँ हैं, ये लड़ाई गांव गरीब किसान की टिकैत साहब लड़ रहे हैं, अपने अनाज अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई हम सब लोग टिकैत साहब के नेतृत्व में जो लड़ रहे हैं, ये आज कोई नई लड़ाई नहीं किसान की, टिकैत परिवार आदरणीय महात्मा टिकैत जी 36 साल से किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष जारी रहेगा, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और राकेश टिकैत कोई राकेश टिकैत कोई गाजर मूरी नहीं, सरकार अगर समझती हो कि उखाड़ के हम खा लेंगे, जो अन्य धरना प्रदर्शन जो बॉर्डर में छोटे छोटे संगठन बैठे थे उनके साथ उन्होंने भद्रता किया, और हमारा निर्णय संयुक्त मोर्चा जो हमारा है किसानों का, वो सब बैठ करके जो उनका निर्णय होगा, हमारा हेड ऑफिस सिंघू बॉर्डर है और सिंघू बॉर्डर में हमारे प्रतिनिधि हमारे भारतीय किसान के लिए जिसको टिकैत साहब भेजते हैं बैठ के चर्चा होती है, उस चर्चा में हम सब शामिल होते हैं और वहाँ से जो निर्णय होता है पूरे देश में लागू किया जाता है, गवर्नर हाउस का निर्णय वहीं से था, पूरे देश के रोड को जाम करने का निर्णय भी इसलिए किया गया है कि हम इन्हें बताना चाहते हैं कि ये हमारा उत्पीड़न करते हैं और हम किसानों को जगाना चाहते हैं। कल प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों का आंदोलन है, एक हिस्से का आंदोलन है, जब लखनऊ में 21 जनवरी से और 23 जनवरी तक हजारों की संख्या में ट्रैक्टर गोसाईगंज में और 50,000 किसान मध्य लखनऊ में बैठा था, तो क्या ये उत्तर प्रदेश लखनऊ के बाहर है क्या? पूरब का ही किसान लखनऊ की सरजमी में 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक बैठा था और गन्ना की पर्ची में 00 लिख के आ रहा है, हमें 450 रुपए क्विंटल से कम मंजूर नहीं,
हमारा उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में धान 1868 का 900 में खरीदा गया, 1000 में खरीदा गया, और जो सरकारी क्रय केंद्रों में धान खरीदा गया 15 किलो 20 किलो 25 किलो 30 किलो काटा गया, कटौती की गई। तो हम आंदोलन अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं, तो हम आतंकवादी हो गए, हम उग्रवादी हो गए। कल तक यही किसान अन्नदाता भगवान था इनके लिए, और आज वही किसान जब अपने हक की और पेट की लड़ाई लड़ रहा है, अपने बच्चों की भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है, तो हमें कटीले तारों से जो जानवरों तक के लिए कानून के अंतर्गत जेल जाने की प्रक्रिया सरकार ने रखी है, ये किस प्रक्रिया में आता है? जो ब्लेड वाला तार लगा रहा हुआ, हमारे उत्तर प्रदेश में कई किसान जेल गए, जेल गए इसी इशू पे, कटीले तार ब्लेड के तार लगाने में जेल भेजे गए। अब इन्हीं लोगों ने आंदोलन किया जो आज यहाँ कटीली तार का उपयोग कर रहे, देश का किसान सब देख रहा है, देश का किसान पागल और मूर्ख नहीं है, ये वो किसान नहीं है 50 साल पहले वाला, आज का किसान हमारे किसान के बच्चे और आप सब किसान के बच्चे हो, सब समझ रहे हो चाल। हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते, मीडिया के भाई हमारे भाई हैं, और जो 6 तारीख की काल संयुक्त मोर्चा की है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल से लेकर के और पूरे देश में जो सड़कें हैं जाम करके अपने किसान भाइयों को जगाने का काम किया जाएगा। ये प्रकाश जावड़ेकर जी को जवाब होगा कि ये उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का आंदोलन है कि केवल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके का आंदोलन है। मैं सुन रहा था प्रकाश जावड़ेकर जी को, राकेश टिकैत पूरे देश के और पूरे उत्तर प्रदेश के मात्र एक सबसे बड़े किसान नेता हैं जी। क्या निजीकरण को लेकर बढ़ावा दिया गया है बजट में, क्या कहना? हाँ, ज्यादा जोर तो बेचना चाह रहे हैं ना भाई सारी चीज। भाई उसी के लिए तो लग रहे हैं यहाँ पर 70 दिन से कि ये बाहर की बड़ी कंपनियाँ वो नावर ये विभाग ना बिके। भाई कर्जा देने की बात करते हो, अरे फसलों के रेट दे दो, कर्जे की जरूरत ही नहीं किसान को। एक बड़ी साजिश है कि किसान कर्जा लेता रहे, एक दिन वो फिर उसकी जमीन बैंक बैंकों को चल जाए, बड़ी कंपनी उसको खरीद ले। क्यों नहीं वापसी होगा? सरकार की मंशा लग रही है, सरकार वापस करेगी। हाँ, कर लेगी सरकार, करेगा काम करेगी करेगी। नहीं नहीं, ये इशू है, इसके साथ में और भी बहुत इशू है, इससे बातचीत का रास्ता खुलेगा अगली बातचीत। आप कह रहे थे हमारे जो लोगों को जेल भेजा गया उसको पहले बाहर करो, वो भी तो इशू है ना। उसके बाद ही कोई वार्ता हो, दो मान ली गई, दो बची वही दो मांगे हैं कि कुछ इसमें भी परिवर्तन की कानून में कुछ सेटलमेंट कर लिया जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वही है मांगे, वही है।